मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था बेटा उसमें, कि जैसे ही किसी भी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो पर्टिकुलर वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। नेक्स्ट पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। हमने क्या किया, एक कॉपर वायर से कोयल बनाई और उस कोयल के अंदर एक आयरन की नेल को रखा और उस वायर के दोनों एंड को हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही उस कोयल के थ्रू करंट फ्लो करता है, करंट पास करता है, तो उसके अंदर रखा हुआ आयरन की जो नेल थी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि वो जो कोयल है और वो आयरन नेल है, दोनों ही मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। डायग्राम भी आपको बनाना था 14.19। उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, एक हैमर होता है और एक गोंग होता है। जैसे वो मैग्नेट क्या करता है, हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो गोंग पे स्ट्राइक करता है और रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ये आपका क्या था, इलेक्ट्रिक बेल। और पढ़े थे बेटा हमने यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्या क्या यूजेज थे, जंक के अंदर से जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, टॉयज कार के अंदर यूज करते हैं, बहुत सारे हमारे जो टॉयज होते हैं, रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। डॉक्टर्स यूज करते हैं कि अगर आंखों के अंदर कोई आयरन पार्टिकल चला जाए तो मैग्नेट्स की हेल्प से उन टाइनी पीसेस को वहां से रिमूव किया जाता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेज हैं डे टू डे लाइफ में, और भी अपने आसपास आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहां कहां यूज होता है। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक था जो कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। चलिए बेटा चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, और इससे पहले बेटा हम डिस्कस करें, आपकी एनसीईआरटी की बुक पेन पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। स्क्रीन से तो आपको हेल्प मिलेगी, बट नोटबुक और पेन पेंसिल और एनसीईआरटी बुक भी आपके पास होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है वो ओपन कीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए वहां से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ इन योर नोटबुक सिंबल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए बेटा, सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो सिंबल थे वो डिस्कस किए थे। टेबल आपसे मैंने बनवाई थी, उसी टेबल की हेल्प से आपने सिंबल बनाने हैं। किस किस के, कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स के लिए क्या होता है, एक सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, कनेक्टिंग वायर में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आपने लगा दी, दैट इज द कनेक्टिंग वायर। आ स्विच, स्विच कौन सी पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में। सो ऑफ पोजीशन का स्विच क्या होता है, दो डॉट है और एक लाइन जो आपस में कनेक्ट नहीं करती, तो कनेक्ट नहीं करती तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑफ पोजीशन में। और अगर कनेक्ट कर जाए तो कौन सी होगी, ऑन पोजीशन। उसके बाद है बल्ब, बल्ब, बल्ब का सिंबल आपके स्क्रीन पे है, तो इस तरह से आप बल्ब का सिंबल ड्रॉ करेंगे। पिक्चर ड्रॉ नहीं करनी है, फिर से मैं आप लोगों को बेटा रिमाइंड करवा रहा हूं, पिक्चर बिल्कुल ड्रॉ नहीं करनी है। We have to draw only the symbol of electrical component. Electrical component के symbols, only symbols. Then cell. Cell में क्या होता है बेटा, एक long straight line और एक short straight line. और क्या है दोनों आपस में, parallel. दोनों parallel. एक long और एक short parallel straight line है आपकी, parallel lines. ठीक है, parallel lines, एक long and short. अब मैं आपको बता देता हूं, आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लिखने हैं। तो जो लॉन्ग जो आपकी लाइन है वहां पे आप पॉजिटिव का साइन लिखेंगे, प्लस का साइन। जो शॉर्ट है राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, वहां पे कौन सा साइन लिखेंगे, माइनस का, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। ये यहाँ पे नहीं है, आप खुद से लिखेंगे आपके जब नोटबुक में लिखेंगे इसको। उसके बाद है स्विच इन द ऑन पोजिशन, ऑन पोजिशन में। तो ऑन पोजिशन पे बेटा कैसे करेंगे, दो डॉटेड लाइन को एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो जब वो कनेक्ट है तो कौन सी पोजीशन है, ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन होती है तो सर्किट कंप्लीट होता है और सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करता है।
ऑपोजिशन होती है तो सर्किट कैसा होता है, ओपन सर्किट होता है और सर्किट के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। ये ओपन और क्लोज सर्किट में भी हमने किया था। तो ये था बेटा आपका ऑन पोजिशन पे। नेक्स्ट है बैटरी। देखा बेटा बैटरी के अंदर हमने कितने 4 सेल लिए हुए हैं, पॉजिटिव फिर नेगेटिव देन पॉजिटिव फिर नेगेटिव टर्मिनल, उसके बाद फिर से पॉजिटिव देन नेगेटिव टर्मिनल एंड लास्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। इनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास, बैटरी। इस बैटरी के अंदर कितने सेल यूज किए हुए हैं, 4। तो दिस बैटरी कंटेनिंग 4 सेल्स, 4 सेल्स को हमने कंबाइन करके क्या बना दिया, बैटरी। यही बैटरी की डेफिनेशन थी बेटा, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था। व्हाट इज बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज नोन एज ए बैटरी। दो या दो से ज्यादा सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो ये आपका वही टेबल है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने आपसे बनाने के लिए कही थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन सेकंड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोइंग इन फिगर। फिगर के अंदर आपको जो सर्किट दिख रहा है बेटा, इसका सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, इट इज ओनली ए सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या क्या यहाँ पे गिवन है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक सेल है, एक कनेक्टिंग वायर्स है, पिन है। देखिए पिन दूसरी पिन से कनेक्टेड नहीं है जो सेफ्टी पिन है, तो यानी सेफ्टी पिन किसकी तरह यूज है, यहाँ पे एक स्विच की तरह काम करेगी। और कैसा स्विच है, ऑन पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे, ऑफ पोजीशन पे, अभी तक वो दूसरी पिन से कनेक्टेड नहीं है। और एक हमारे पास बल्ब है। अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंबल किए हैं, सिंबल को लर्न किया है, तो उन सिंबल को यूज करके आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्किट डायग्राम क्या होता है, सर्किट डायग्राम सिंबल्स को यूज करके जो डायग्राम हम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का, उसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। चलिए सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये साथ के साथ आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बल्ब का सिंबल ड्रॉ करेंगे। तो स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, बल्ब हमने लिया है। बल्ब के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा, नेक्स्ट सेल कनेक्टेड है। सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब से और दूसरे वाला जो टर्मिनल है नेगेटिव, वो हमने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। ये जो हमारी सेफ्टी पिन है, इट इज एक्ट एज ए स्विच, स्विच की तरह काम करेगी। और कैसा स्विच, ओपन स्विच, क्योंकि ये दूसरी पिन के साथ अटैच नहीं है, तो ओपन स्विच हमने लगा दिया। स्विच का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, बल्ब के लेफ्ट वाले एंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है। किसका सर्किट डायग्राम, जो फिगर हमारे पास थी, ठीक है, तो उसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। इन द गिवन सर्किट, वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब इज कनेक्टेड विद द वन टर्मिनल ऑफ द सेल, व्हाइल देयर अदर टर्मिनल आर कनेक्टेड टू अ सेफ्टी पिन, दूसरा सेफ्टी पिन से कनेक्टेड है। However, the safety pin is not connected with one of the drawing pin. देख लो बेटा डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, सेफ्टी पिन ड्रॉइंग पिन से कनेक्टेड नहीं है। Thus, the circuit is not complete. सर्किट अभी तक कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट नहीं है तो कैसे सर्किट है, ओपन सर्किट है। Hence, safety pin represent a switch in the on position. सेफ्टी पिन जो है वो एक स्विच को रिप्रेजेंट करेगी जो ऑफ पोजीशन में है। द सर्किट डायग्राम ऑफ द गिवन फिगर इज शोन एज द फॉलोइंग। तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेटा आपको यहां से समझना है बड़े ध्यान से, इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी जो आपके पास वीडियो आएगी, ठीक है, वहां पे ये सारे क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से इसको इस एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है कि किस तरह से हमने कनेक्ट किया है। मैं फिर से बता रहा हूं, एक बल्ब को सेल से कनेक्ट किया पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर उसका नेगेटिव टर्मिनल हमने स्विच से, और स्विच कैसा है हमारा, देखिए डायग्राम में फिर से, स्विच ओपन स्विच है, ओपन स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वो बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम बनेगा। और ये सर्किट डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, ओपन सर्किट को, क्योंकि यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो स्विच है वो ऑफ पोजिशन पे है। स्विच कैसी पोजिशन पे है, ऑफ पोजिशन पे है।
यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री ऑनवर्ड क्या है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर थ्री है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, तो ये नंबरिंग जो है आपको थोड़ी सी ठीक कर लेनी है, इसके बाद एक एक नंबर आगे आपको शिफ्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री मैं बिल्कुल एंड में डिस्कस करूंगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री बट एक्चुअल में इट इज ए क्वेश्चन नंबर फोर। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो, ये जो सर्किट है इसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखिए बेटा स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो और अपनी बुक में भी देखिएगा ध्यान से, ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं करता। देखिए स्विच जो है वो भी ऑन पोजीशन में है, बड़ी अच्छी बात है भाई, सेल भी लगा रखे हैं, कनेक्टिंग वायर भी लगी हुई है, और जो बल्ब है उसका फिलामेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी ब्रेक नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो फिर भी ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा है। मेक नेसेसरी चेंज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो, इसको ग्लो करने के लिए हम क्या करेंगे। यस ध्यान से देखिए बेटा, अरेंजमेंट ऑफ द सेल, सेल को जो अरेंज किया हुआ है उसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट है, सो इट इज ए रोंग कॉम्बिनेशन। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए तभी ग्लो करेगा। सो जो सर्किट हम ड्रॉ करेंगे करेक्ट सर्किट, पहले क्वेश्चन के अंदर आपने रोंग सर्किट ड्रॉ करना है, आंसर में करेक्ट ड्रॉ करना है, तो आंसर में क्या करना है, क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल था राइट साइड का जो सेल था उसका नेगेटिव टर्मिनल वहां पे हम अटैच कर देंगे तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट है, क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो क्या ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। तो ये चेंज आपको करनी है बेटा, क्योंकि पहले जो सर्किट डायग्राम था उसमें देखिए दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर दोनों पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस तरह की अरेंजमेंट है तब सर्किट कंप्लीट होगा और करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट अरेंजमेंट आपको बनानी है, तो क्या रहेगा, द बल्ब इन द सर्किट इज नॉट ग्लोइंग बिकॉज द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं किया हुआ है। टू मेक द बल्ब ग्लो द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, तो अगर बल्ब को ग्लो करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव, नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यस पूरा ही चैप्टर हमने दो इफेक्ट पे डिस्कस किया है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रिक करंट के कोई भी दो इफेक्ट बताइए। सो बेटा हायर क्लासेस में तो और इफेक्ट भी आप पढ़ेंगे, बट आपके जो सिलेबस में है वो है टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन से पढ़े हैं, यस फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इफेक्ट इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दो इफेक्ट आपको लिखने हैं, और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि जो मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई है वो भी आप यहीं पे लिख दो बेटा, अगर आप डेफिनेशन भी लिख देते हो तो बहुत अच्छे से आपको ये एक्सप्लेन हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, बट यहाँ पे सिर्फ आपसे नेमिंग पूछी हुई है, बट अगर आप चाहें तो जो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो दोनों डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस किया था हमने इनकी डेफिनेशन को, ठीक है। सो फर्स्ट इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन थ्रू ए वायर अ कंपास नीडल केप्ट नियर बाय गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ साउथ पोजिशन एक्सप्लेन। यस कल का जो बेटा लेक्चर था हमारा उसको एक बार रिवाइंड कीजिए कि हमने कल क्या किया था, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया था जिसको हमने नाम दिया था ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट क्या क्या लिया था उसके अंदर, एक मैच बॉक्स की जो ट्रे है उसके अंदर क्या रखा,
कंपास नीडल, उसके ऊपर क्या रैप की थी, कॉपर वायर, किससे कनेक्ट किया था, एक स्विच और सेल के साथ। क्या हुआ था बेटा, जैसे ही हमने स्विच को ऑन पोजीशन पे लेके आए, वायर के थ्रू करंट फ्लो करता है और मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या आती है, डिफ्लेक्शन आती है। वो क्यों आती थी डिफ्लेक्शन, बिकॉज व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द वायर, वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और क्योंकि कंपास नीडल इटसेल्फ ए मैग्नेट, कंपास नीडल जो है वो खुद एक टाइनी मैग्नेट है, सो एक मैग्नेट के नजदीक दूसरा मैग्नेट जब हम लेके आते हैं तो क्या आती है, डिफ्लेक्शन आती है, इधर दे अट्रैक्ट ईच अदर और दे रिपेल ईच अदर। ये सिक्स स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि लाइक पोल जो होते हैं मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, साउथ एंड साउथ पोल रिपेल ईच अदर, नॉर्थ एंड साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सो जो अनलाइक पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो यानी कि डिफ्लेक्शन होती है। अब यहां पे क्या है इस केस में कि जो इलेक्ट्रिक वायर है उसके थ्रू करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट बन गया, कंपास नीडल इटसेल्फ ए मैग्नेट। तो जैसे ही उनको उसके नजदीक लेके आते हैं तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है, वो हिलना स्टार्ट कर देती है। ये है मेन रीजन। व्हेन ए करंट इज स्विच ऑन थ्रू अ वायर स्टार्ट बिहेविंग एज ए मैग्नेट, हेंस व्हेन ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द गिवन करंट कैरिंग वायर, इट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इन्फ्लुएंस का मीनिंग है बेटा वो डिफ्लेक्ट होती है। तो जब एक करंट कैरिंग वायर के नजदीक कंपास नीडल को रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन, अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाती है। सिंपल। तो अगर वन लाइन में हम कहें जैसे वो डिफ्लेक्ट करती है। राजन सर नहीं आएगी, तो हमारा जो आंसर रहेगा नो, द गिवन सर्किट डज नॉट हैव एनी करंट सोर्स, कोई करंट सोर्स ही नहीं है। दूसरी ये भी है, पहली बात तो है कि जो स्विच है वो ऑन ऑफ पोजीशन पे है और इसके अंदर कोई बैटरी ही नहीं है। ध्यान से देखिए, ना कोई सेल है ना कोई बैटरी है। अगर हम इसको स्विच को ऑन भी कर दें, क्या कोई करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू? नहीं करेगा, क्योंकि इस सर्किट के अंदर ना सेल है ना बैटरी है, कोई करंट का सोर्स ही नहीं है, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगी। फिलिप्स करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ द सेल रिप्रेजेंट, यस आज भी हमने बताया है, जो लॉन्गर लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव टर्मिनल को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड ए बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल कॉल्ड ए बैटरी। सी पार्ट है बेटा, व्हेन द करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट डैश, रूम हीटर के थ्रू जब करंट जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इट प्रोड्यूस हीट। कौन से इफेक्ट की वजह से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो हीट प्रोड्यूस करेगा। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए डैश, क्या कहेंगे बेटा, फ्यूज। फ्यूज को हम कहते हैं सेफ्टी डिवाइस, जब उसके थ्रू मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको फिलिप्स के अंदर सिर्फ आंसर करने हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन इसमें लिखी हुई है ये जस्ट लर्न करने के लिए है। जब आप नोटबुक के अंदर लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो फिलिप्स है वही आपको लिखने हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, से ट्रू एंड फॉल्स। ऐसे ही ट्रू एंड फॉल्स में बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है नोटबुक के अंदर, ओनली ट्रू एंड फॉल्स को टिक करना है। एक्सप्लेनेशन जस्ट लर्न करने के लिए है, ना ही ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, टू मेक ए बैटरी ऑफ टू सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, क्या नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं? नो बेटा, ये फॉल्स रहेगा।
क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल को करते हैं पॉजिटिव से कनेक्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन भी आया था आपका कि उसमें बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, उसमें यही रीजन था कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ था, फिर हमने उसको करेक्ट किया था पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करके। सेकंड है बेटा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड अ सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक। फ्यूज वायर मेल्ट और ब्रेक हो जाती है? यस इट इज ट्रू, क्योंकि फ्यूज वायर इज ए सेफ्टी डिवाइस, जैसे ही उसके मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करेगा वो ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, ये ट्रू है फॉल्स है? पहले बताइए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं करेगा? करता है बेटा। तो ये क्या हुआ आपका? फॉल्स हुआ, क्योंकि डज नॉट दिया हुआ है। अगर कहते कि डज अट्रैक्ट तो हम कहते ट्रू, अब डज नॉट दिया हुआ है तो क्या कहेंगे? फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? यस इट इज ट्रू। कल पूरा इलेक्ट्रिक बेल की एक्सप्लेनेशन हमने की है, पूरा सर्किट डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन किए, अब भी इसका डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? तो ट्रू फॉल्स में सिर्फ ट्रू और फॉल्स को टिक करना है। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप? एक्सप्लेन कि गार्बेज का एक बहुत बड़ा हीप है, ढेर लगा हुआ है प्लास्टिक के, उसमें बैग्स हैं, क्या उसको सेपरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से? नो, बिकॉज प्लास्टिक इज नॉट ए मैग्नेटिक मटीरियल, प्लास्टिक मैग्नेटिक मटीरियल नहीं है। मैग्नेट सिर्फ मैग्नेटिक मटीरियल को ही अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसको हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन ओनली अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल, प्लास्टिक बैग इज ए नॉन मैग्नेटिक मटीरियल एंड विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हेंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम ए गार्बेज हीप, उस गार्बेज हीप से प्लास्टिक बैग को सेपरेट नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज प्लास्टिक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन योर हाउस। कुछ रिपेयर करता है इलेक्ट्रीशियन, ही वांट्स टू रिप्लेस अ फ्यूज वायर बाय ए पीस ऑफ ए वायर। फ्यूज वायर को किसी दूसरी ऑर्डिनरी वायर से वो रिप्लेस करना चाहता है। वुड यू एग्री? क्या आप एग्री हो जाएंगे ऐसा करने देंगे उसको? गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। हम ऐसा नहीं करने देंगे, क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी वायर है और फ्यूज वायर, दोनों में डिफरेंस होता है। ऑर्डिनरी वायर जब ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट आएगा वो मेल्ट नहीं होगी, बट फ्यूज वायर को स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है कि जैसे ही मैक्सिमम अमाउंट से करंट ज्यादा आए, मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा करंट आए, तो वो मेल्ट हो जाए। तो अगर हम ऑर्डिनरी वायर यूज करेंगे तो वो पर्पज ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? स्पेशल टाइप की फ्यूज वायर। तो उस इलेक्ट्रीशियन को हम बिल्कुल भी फ्यूज वायर को रिप्लेस नहीं करने देंगे, हम उसको रीजन देंगे कि भाई जो ऑर्डिनरी वायर है अगर एक्सीडेंटली करंट ज्यादा आ जाता है तो ये मेल्ट नहीं होगी। तो इसीलिए आप वहां पे क्या यूज कीजिए? जो फ्यूज वायर है, ठीक है, आईएसआई मार्क की फ्यूज वायर। इलेक्ट्रीशियन कैन नॉट बी अलाउड टू रिप्लेस द फ्यूज इन द हाउस बाय अ पीस ऑफ वायर। दिस इज बिकॉज Every wire cannot be used as a fuse filament. हर एक वायर को फ्यूज के फिलामेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। फ्यूज फिलामेंट मस्ट हैव ए लो मेल्टिंग पॉइंट सच दैट इट कुड मेल्ट एंड ब्रेक इन रिस्पॉन्स ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। फ्यूज वायर का जो फिलामेंट है वो इस तरह का होता है बेटा जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मेल्टिंग का मीन होता है कि मेल्ट कर जाना, वो टेम्परेचर जिस पे जाके कोई चीज मेल्ट कर जाएगी, पिघल जाएगी, ठीक है? जैसे आइस है, आइस को हम रख दे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होती है। इसी तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ
पिघलने का टेम्परेचर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो फ्यूज वायर का जो टेम्परेचर है वो ऐसा होना चाहिए मिनिमम कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और ब्रेक हो जाए, ताकि हमारा जो घर की जो हाउस होल्ड वायरिंग है या अप्लायंसेस है वो डैमेज होने से बच जाए। मोस्ट ऑफ द वायर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो वायर्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, फ्यूज वायर का लो होता है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12, जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग सेल होल्डर, जैसा कि क्वेश्चन में भी आया था आपका बुक के अंदर भी 14.4 फिगर में, स्विच एंड द बल्ब, व्हेन शी पुट द स्विच इन ऑन पोजीशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करता, हेल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट इन द सर्किट, सर्किट में क्या डिफेक्ट है इसको हेल्प कीजिए। तो भाई सर्किट में क्या डिफेक्ट हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, या तो जो रबर बैंड है वो अच्छे से करेक्ट नहीं है, मतलब लूज है, ताकि वो जो आयरन की जो स्ट्रिप है वो सेल के टर्मिनल से मिल नहीं पा रही है, या और क्या हो सकता है कि जो हमने जो सेल को यूज करके बैटरी बनाई है, ऐसा तो नहीं है कि उसके दोनों पॉजिटिव टर्मिनल या दोनों नेगेटिव टर्मिनल एक ही तरफ है तब भी ग्लो नहीं करेगा, या फिर वायर जो है वो ब्रोकन है, टूटी हुई है, तो ये कुछ एक रीजन हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजन मे बी रबर बैंड यूज्ड इन द सेल होल्डर मे नॉट बी टाइट इनफ टू कीप द टू सेल इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, कि जो रबर बैंड है वो इतना टाइट नहीं है कि दो जो कॉन्टेक्ट हैं जो मेटल की स्ट्रिप है वो सेल के साथ अटैच हो जाए। इफ द सेल आर नॉट इन द प्रॉपर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर देन द सर्किट विल नॉट कंप्लीट एंड द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, अगर वो एक दूसरे से अच्छे कॉन्टेक्ट में नहीं है सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, हेंस द बल्ब विल नॉट ग्लो, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, द अदर रीजन मे बी द टू सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, अच्छे से कनेक्ट नहीं है, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल मस्ट बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर शोन, ये फिगर को ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास बैटरी है, बल्ब ए बी सी कनेक्टेड है और स्विच ऑफ पोजीशन पे है, वुड एनी ऑफ द बल्ब ग्लो व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन, क्या बल्ब ग्लो करेगा जब स्विच ऑफ पोजीशन पे है, नो, बिकॉज सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है और ऑफ पोजीशन पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन करंट डज नॉट फ्लो द सर्किट हेंस नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, व्हाट विल बी द ऑर्डर इन विच बल्ब ए बी सी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन, जब ऑन पोजीशन पे करेंगे तो कौन बल्ब को ग्लो करने का ऑर्डर क्या रहेगा, क्या ऐसा है कि ए बी सी में से कोई सा पहले या पीछे ग्लो करेगा, नो, जैसे ही हम बल्ब को स्विच को ऑन पोजीशन पे करते हैं तो एक ही टाइम पे तीनों बल्ब ग्लो करेंगे, ए बी और सी विल ग्लो एट द सेम टाइम, रीजन क्या है, क्योंकि वो एक ही स्विच से कनेक्टेड है और एक ही करंट सोर्स से कनेक्टेड है, करंट सोर्स यानी कि बैटरी से कनेक्टेड है, अगर वो अलग अलग बैटरी और अलग स्विच से कनेक्टेड होते तो फिर वो आगे पीछे ग्लो करते, बट अब क्या है, दे विल ग्लो एट द सेम टाइम, बल्ब विल ग्लो साइमल्टेनियसली, बेटा साइमल्टेनियसली वर्ड को अंडरलाइन कीजिएगा, ये साइमल्टेनियसली जो है इसका मीनिंग होता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे बल्ब जो है एक ही टाइम पे ग्लो करेंगे, व्हेन द स्विच इज मूव्ड टू द ऑन पोजीशन देन द बल्ब विल ग्लो एट वंस, उसी टाइम पे ग्लो करेंगे, दिस इज बिकॉज दे ऑल आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी एंड द स्विच, वो एक ही बैटरी और स्विच से कनेक्टेड है इसीलिए एक ही टाइम पे ग्लो करेंगे। तो बेटा ये एक्सप्लेनेशन थी आपके क्वेश्चंस की और उनके आंसर की एनसीईआरटी में, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका रहता है वो आपके सामने डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी बुक में देखिएगा कि एक डायग्राम आपको गिवन है, 4 सेल्स हैं, आपको ये ड्रॉ करना है कि वो किस कॉम्बिनेशन में अटैच करें कि एक बैटरी बन जाए, किस कॉम्बिनेशन में हम उनको अटैच करें कि बैटरी बन जाए,
बेटा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड में डिस्कस करेंगे, ये है। सो बुक से आप देखिएगा, आपका डायग्राम गिवन है, फोर सेल फिक्स्ड ऑन द बोर्ड, ड्रॉ द लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट द टर्मिनल विद वायर टू मेक अ बैटरी ऑफ फोर सेल। फोर सेल की बैटरी आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सिंपल है बेटा, पहले का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे के नेगेटिव से, और तीसरे का पॉजिटिव टर्मिनल फोर्थ के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और फर्स्ट का नेगेटिव टर्मिनल और लास्ट का पॉजिटिव टर्मिनल को ओपन रहने देना है। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगी, बैटरी, किसकी हेल्प से, यूजिंग फोर सेल। तो पहले क्वेश्चन के अंदर तो आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 बुक के अंदर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो गिवन एक्सरसाइज में, और उसकी आंसर ये रहेगा। तो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट सेल का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से, दूसरे सेल का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से, तीसरे सेल का पॉजिटिव फोर्थ के नेगेटिव से कनेक्ट हमने करना है। तो अगर इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक बैटरी बन जाएगी, कितने सेल को यूज करके, फोर सेल को यूज करके, ठीक है। और आपको एक एडिशनल काम जो करना है, इसका सिंबल भी ड्रॉ करना है इसी के साथ। ये आपका खुद का होमवर्क है कि आपके पास फोर सेल है, उसका सिंबल कैसे ड्रॉ करें। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन किया ना बेटा, उसमें भी सिंबल दिया हुआ है, उसमें भी कितने सेल हैं, फोर सेल हैं, बिल्कुल वही डायग्राम यहाँ पे रहेगा। तो वो सर्किट भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। तो बेटा ये थे आपके आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। राजन सर,